Hi guys, so it's the next day. It's raining. She cannot go with us. So I'm not sure कि हम आज घूमने जा भी पाएंगे कि नहीं. बहुत मन है नीचे जाने का, but I'm not gonna go. वहीं तक जाना allowed है, उसके बाद जंगल एरिया है तो we can't go. So make sure you have that stamina. नहीं तो कोई मतलब नहीं है आने. Hi guys, so it's the next day and इस दिन के लिए we have booked the safari. So पूरे दिन भर का plan है and safari gypsy will be here 9:30 and currently it's 7:30. I'm already up. So I'm gonna go in a while to get ready, but अभी तो I'm just enjoying the view because यहाँ रात को शायद बारिश हुई है and it's very cold over here. भोपाल से तो बहुत ठंडा है. Of course होगा because it's a hill station height पे है. But can you see how beautiful it looks in the morning? वहाँ पे सब मुझे ऐसा लग रहा है कोहरा छाया हुआ है सब ऊपर. But it's so beautiful. Can you see? So yeah, I'm gonna go and get ready in a while. एंड देखते हैं जिप्सी राइड कैसी होती है, बिकॉज बहुत सारी जगह है यहाँ पे ना पचमढ़ी में घूमने की, तो कितनी कवर कर पाते हैं, मैं कितनी ब्लॉग कर पाती हूँ. शायद लास्ट नाइट आई मेंशन ना लास्ट ब्लॉग में दैट लाइका इज़ गोना गो विद अस. शी स्लेप्ट रियली नाइसली लास्ट नाइट. ठंड हो गया था तो शी वॉज स्लीपिंग प्रिटी वेल, स्नगल्ड अप बिटवीन मॉम एंड डैड. सो शी स्लेप्ट, अभी वो घूमने गई हुई है. सो एज सून एज शी कम्स बैक आई विल ऐड अ क्लिप ऑफ दैट, बिकॉज शी इज़ लुकिंग रियली क्यूट विद ऑल हर रेनकोट एंड शूज. Yes, she wears shoes. So I'll show you that and then we'll meet once I get ready and we'll be going for the breakfast. Yeah. So till then, stay tuned. So yes guys, I'm all ready to go. I've done bare minimum makeup, which I always do. और 9:30 हो चुका है तो जिप्सी भी आने वाली होगी. हमारा ब्रेकफास्ट अभी भी बचा हुआ है बिकॉज वी आर रनिंग अ बिट लेट एंड दैट इज बिकॉज हमारी गलती नहीं है. इट्स रेनिंग. लेट मी शो यू. या कैन यू सी इट्स रेनिंग आउट देयर. पता नहीं कितना घूम पाएंगे इस बारिश में, क्योंकि लाइका भी है साथ में एंड शी इज द टॉप प्रायोरिटी. सो पर ट्राई करेंगे पूरा घूमने का. सो अभी तो मम्मी पापा गए ब्रेकफास्ट करने, फिर हम लोग जाएंगे और उसके बाद जिप्सी राइड. सो बी विथ मी. ऑल राइट गाइज, वी आर ऑल सेट टू गो. जिप्सी आ चुकी है और हम रेडी है. मास्क वास्क सब पहन लिया है. ब्रेकफास्ट सब हो चुका है और अब हम जा रहे हैं. ये और यस ऑफकोर्स लाइका भी जा रही है साथ में. यू कैन सी. सो लेट्स गो. अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आई गेस बाइसन लॉज. इफ यू कैन सी पीछे मेरे यहाँ पे, इफ यू कैन सी दैट. तो यहाँ पे शायद कोई पास वगैरह बनता है टू कंटिन्यू विद द ना होल जर्नी राइड पे अलग अलग जगह के लिए, तो शायद एक ही पास बनता है तो अलग अलग फिर जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑल राइट गाइस, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और करेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लाइका हमारे साथ है और वो मना कर रहे हैं कि शी कैनॉट गो विद अस. बट हियर इज द थिंग गाइस, कि व्हेन वी आस्क देम मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट सुबह भी फोन करके पूछा था इफ शी विल बी अलाउड विद अस इन द राइड एंड दे सेड यस शी इज अलाउड. बट अभी यहाँ खड़ा करके व्हेन वी आर हियर टू मेक गेट द पास, दे आर सेइंग शी इज नॉट अलाउड. सो दिस इज नॉट डन, दिस नॉट फूल एट ऑल. और अभी पापा गए हैं, लेट्स सी क्या होता है. बट आई बिलीव इफ यू आर ऑल्सो टेकिंग योर पेट विथ यू, जस्ट गेट इट प्रॉपरली कन्फर्म्ड इफ दे विल बी अलाउड. क्योंकि यहाँ आके किसके भरोसे लाइका को छोड़ के जाएंगे एंड यू नो दैट शी इज आर प्रायोरिटी.
और उसको छोड़ के हम लोग कहीं भी ऐसे घूमने नहीं जा सकते, तो आई एम नॉट श्योर कि हम आज घूमने जा भी पाएंगे कि नहीं. सो लेट्स सी व्हाट एवर हैपेंस, ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू ऑन दैट. तो हम बी फॉल जा रहे हैं और अभी व्यू दिखाना, इतना सुंदर व्यू है. सो गाइज, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसे मतलब बड़ा रीचगढ़ है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं. यू कैन सी दैट ओपनिंग से वहीं तक जाना अलाउड है, उसके बाद जंगल एरिया है तो वी कांट गो. तो अभी आल लाइक प्ले अ फुटेज जहाँ दीदी समझा रही हैं कि इस जगह की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो यू वॉच दैट और उसके बाद मैं लेके चलूँगी जहाँ जहाँ भी मैं यहाँ गुफा में जाऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आदिवासी लोग पहले जो है ना भालू को रिच बोलते थे, जब वो लोग यहाँ पे उनके हिसाब में चलते थे आदिवासी और अंग्रेज लोग. जब आदिवासी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते थे तो यहाँ पे पूरा जंगल ही एरिया था. जब वो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे तो यहाँ पहाड़ दिखा और ये जो गुफा बनी हुई है उसके अंदर भालू रहते थे रिच. वो लोग को जब यहाँ पे भालुओं को जब घूमते इसलिए इसका नाम रिच रहा जी. रिज रिज मतलब RIZE रिज. ये तो गुफाओं का मतलब अपने टाइम पे बताने के लिए तो कुछ होता नहीं था, तो उन लोग ये पेंटिंग बनी हुई है ना पेंटिंग वो रॉक पेंटिंग बोलते इनको दर्शाया जाता है. इसको AC केप भी बोलते हैं. वो जो पत्थर रखा है ना बीच में इसमें बहुत ठंडी अच्छी हवा आती है क्योंकि ये ऊपर से पूरी पैक है और नीचे से पूरी यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है इसलिए इसको बहुत अच्छी हवा आती है. अपने अशोका मूवी देखिए, अशोका थोड़ा घुसेंगे टॉर्च जला के जाइए अंधेरा को, थोड़ा घुसेंगे जो चमगादड़ होती है ना राइट में देखिए चमगादड़ एक ना दो तो बैठी हुई है चमगादड़ जी जी. उसके अंदर थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे एक गुफा बनी हुई है, कम से कम इतनी बड़ी वैल्यू कि 10 से 15 वाली वो लोग आराम से रह सकते थे मतलब जब बारिश होती थी ना तब वो लोग. ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं नीचे तक. जो ओपनिंग मैंने ऊपर दिखाई थी और मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम करती हूँ तो यू विल सी बेटर. यू कैन सी ना बाकी आगे तक पूरा जंगल है. हमें इस केव तक ही, केव के ओपनिंग तक ही जाने की परमिशन दी गई है. सो हम वही करने वाले हैं और लेट्स एक्सप्लोर दैट. आई विल शो यू लाइक प्रॉपर व्यू फ्रॉम दिस ओपनिंग.
तो नीचे ओपनिंग से अभी वापस आए, यू कैन सी मेरे बाल उड़ रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे पंखे वंखे तो है नहीं, एंड एज यू सॉ बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है. सो मेरे पीछे जो पत्थर है ना, दीदी इसी की बात कर रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट है, एंड इट एक्चुअली इज़, यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है. सो अभी हम दूसरी गुफा में जा रहे हैं, इसके बारे में दीदी ने बताया था. सो आई बिलीव वी जस्ट गो इन एंड फेस दोज बैग्स, राइट? सो लेट्स गो.